श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है। इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये दिन आपके लिए कई मामलों में अच्छा साबित होगा और इस दिन आपके लिए कई मामलों में सतर्कता भी बरतनी पड़ेगी। इस दिन को आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। आपका रुका हुआ पैसा इस दिन आपको मिल सकता है। उन पैसों की जिनकी आप कई दिनों से वेट कर रहे थे, वो आपका पैसा जो कहीं पर फंसा था वो इस दिन आपको मिल सकता है। इस समय में आपको विदेश यात्रा से लाभ होगा। अगर आप विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो इस दिन शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग आईएएस के एग्जाम देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाई से जुड़ी कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस समय में स्वास्थ्य का ख्याल आपको जरूर रखना है। बीमारियां आपको घेर सकती है। वात रोग, रक्त विकार आदि में कष्ट मिलने की संभावना रहेगी। इस समय में आपके शरीर में एनर्जी की कमी भी रह सकती है। अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति पारिवारिक कलह क्लेश बढ़ा रही है। आपको इस दिन क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। तोल मोल कर बोलिएगा, नहीं तो आपकी किसी से इस दिन लड़ाई हो सकती है। घर परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश जरूर करें। इस समय में यात्राएं संभल कर करनी होगी। यात्राओं में रुकावटें आने की संभावना है। यात्राओं में चोट लगने की भी संभावना है। दोस्तों, इस समय में यात्राएं करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। अगर जरूरत ना हो तो ऐसे समय में व्यर्थ की यात्राएं नहीं करनी चाहिए, और अगर यात्राएं करनी ही है तो जरूरत की सारी चीजें साथ लेकर जाएं। इस समय में विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। विद्यार्थियों के लिए उपाय करना इस समय में जरूरी है, क्योंकि इस दिन अगर कोई एग्जाम या कॉम्पिटिशन आती है तो मेहनत ज्यादा करनी होगी, तब जाकर आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में अपने कार्यक्षेत्र में आपको धैर्य रखना चाहिए। इस समय में काम का बोझ भी आप पर ज्यादा रहेगा, लेकिन धैर्य रखोगे तो आपके लिए समय शुभ रहेगा। नहीं तो आप इस समय में कोई गलती, कोई लापरवाही कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो इस दिन आपके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा रह सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ाहट नजर आएगी। आपको भी क्रोध से बचना होगा। संतान या फिर आपके दाम्पत्य सुख में कुछ परेशानियां भी इस समय में आ सकती है, जिसकी वजह से आप इस समय में मानसिक चिंताओं में घिरे रह सकते हो। इस समय में अपनी चीजों का खास ख्याल आपको रखना होगा। इस समय में कीमती चीजें गुम हो सकती है। चीजों की चोरी होने की संभावना भी है। इस समय में अगर कोई कागजी कार्रवाइयां करनी है तो वहां पर भी आपको सतर्कता बरतनी जरूरी होगी। कोई भी काम बिना देखे बिना परखे ना करें। दोस्तों, इस दिन आपके स्वभाव में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप इस दिन निगेटिविटी से घिरे रह सकते हो। किसी भी काम में आपका पूरा मन नहीं लगेगा, इसलिए उपाय जरूर करें। इस दिन आपके लिए ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करना शुभ रहेगा और 9 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। साथ ही इस दिन आप हरे रंग का उपयोग भी करते हो तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, अगर इस दिन आप घर से किसी काम के लिए निकलते हो तो 4 हरी इलायची अपने जेब में ले लीजिए। इससे आपको फायदा होगा। अगर आप इस दिन हरी मूंग की दाल, इलायची या हरे कपड़े का दान करते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है। इससे आपका दिन शुभ रहेगा, कामों में सफलता मिलेगी और मन शांत रहेगा। इस दिन मंदिर में भगवान का दर्शन करने जरूर जाए और मंदिर के मुख्य गुल्लक में 1 रुपए का सिक्का जरूर डाले। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।